दोस्तों बबलू भाई चल पड़े हैं ट्रैक्टर लेकर, और अंशी फोन चला रहा है लेकिन उस पर गेट नहीं खुल रहा है। और टाइम देख सकते हैं आप, 7:45 बज गए हैं। तो दोस्तों 7:45 बजे भी ऐसा हो रहा है, हमारा तो टाइम वही है, जैविक घड़ी हमारी वही बताती है कि हम 7:45 बजे गर्मी वाले के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आधा गांव रिजाई में सो चुका है, सर्दी इतनी पड़ रही है। तो मैं दूसरे गेट से बैठूंगा दोस्तों, अपनी जैकेट लूंगा एक और, क्योंकि खेत में ठंडा, पापा जी खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खा लें। तो दोस्तों मैं यहाँ से जो है अपनी ये वाली जैकेट लूंगा, क्योंकि दोस्तों ये तो मेरी मील की है, ये तो ज़्यादा हैवी है। सुबह की वो कहिया चलो भाई। तो दोस्तों चल पड़े हैं, चप्पल नीचे कर ले भैया, शीत लहर है। हाँ हाँ बैठू वहाँ भी। आप दोस्तों खेत में आ लिए हैं, ये देखें। और दोस्तों ये सुबह तक पूरा गिल्ला हो जाता तो ज़्यादा दिक्कत होती फिर। अब दोस्तों लंबे अभी काट देंगे दूसरे गियर में लगा के 1600 चक्करों पकड़ के। तो देखो ये देखो पहिए लिपटने शुरू हो गए, और सुबह को दोस्तों ये 10 गुने ज़्यादा लिपटते। तो अब जो है बबलू भाई अपना ड्राइविंग का जोहर दिखाते हुए, हाँ जी भैया आएंगे बैठूँगा नीचे, तो मैं उतरूँ नहीं, नील गाय का बिजार पागल हो रहा, कभी चटनी जी पीस दे गेर के। दोस्तों खाद देखो कितना अच्छा डला खेत में, सामली में झिझाने की तरह चित्ता भी आ रहा, चित्ता भी आ रहा। ये तो चित्ते तो सब जगह हो रहे, हमारे यहाँ भी पंजे देखे मन ने, पर अभी वो सामने नहीं आ रहा। हाँ ठीक है भैया, हम तो डरे हैं सामने ना आवे तो। पूरे हेल्पर छोड़ दे भैया, पूरा छोड़ के चलाइए दोनों। हाँ पूरा गेर के नीचे ऐसा कुछ कुछ तो राम रोला करेगा यो ऐसा दी नहीं। हाँ ए मोटी कुट्टी काट रहा, रेस दे भैया रेस बढ़ा 1600। हाँ 1600 तिरछा फाड़े। हाँ भाई वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया जी, क्या कहना गुरुदेव, गुरुदेव की वाणी साच हो गई। तो दोस्तों कुछ ये खात मिलेगा, कुछ रात की ओस पड़ेगी। यो लू करा था जी मन्ने, यहाँ जो है कई साल से मट्टी पलटनी हुई थी। हाँ दोस्तों देखो देखो, हाँ हाँ सवेरी को तो बहुत बुरा हाल, सवेरी को तो अगले टायर भी 16 के हो जा, 100 राज पकड़े थे एक बार हमने, 16 के हो गए थे। दोस्तों एक एक बार खेत जोत दिया, अब दोहरे के फांड दोबारे कर रहे हैं, ओस बहुत पड़ रही है। तो ये जो है जो भी सूख गया था खेत, वो गोबर की खाद में मिलके उसमें रात रात में नमी बन जाएगी, और कल सुबह इसमें जो है ट्रोली में ऐसे हिसाब से डाल के आऊँगा दोस्तों, कि ओस उड़ने से पहले टीलर निकालने की कोशिश करेंगे इसमें। उड़ देखें के दूसरे में ही चल रहा है, अब चल रहा है 1800 चक्करों पे। तो 1800 पे तो जी हम अगर दोबारा काट दे मलाई बना देगा खेत की, और दूसरे गेयर में चाल भी बहुत है। तो पीछे बैठा गेरेंगे। हाँ 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 नहीं एक तो फांट काट के देखो, तो लीवर दोनों नीचे पड़े भाई। वाह बहुत बढ़िया, बोर 195 भाई 127 है। अच्छा इतना बड़ा पिक्चर है मेरा भाई, वाह हंटिंग कर रहा है ना, जो मिस्टर जिगरे में कुछ होते भी करे। हाँ वो क्या ना बोल रहे हैं लोग, हड़क हड़क। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिगड़ा नहीं छत्तीसगढ़ बिकता। हाँ बिल्कुल सही बात है, तेल खा के कोई खाना काटना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आठ चाहे जो है मीटर। हाँ 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 में दोस्तों बबलू भाई ने गारा भी जोत दिया है सारी के, जब तक जूते नहीं सूखते नहीं। बिल्कुल बढ़िया जी बढ़िया, काटो इसे भी दोबारा है, यो भी सूखा बनाएंगे। तो दोस्तों रात में जितनी भी ओस पड़ेगी, ये गोबर की खाद पत्ती और मिट्टी, ये जितनी भी ओस पी लेगी सुबह सुबह, वो नीचे की नमी के साथ में सुबह वो मिलाने की कोशिश करेंगे,
और दोस्तों ट्रैक्टर बेचारा हमारा बहुत बढ़िया, जिस दिन से कदी से हमने लिया था लीवर डाल के चलावे इसे पूरा नीचे छोड़ के। दोस्तों सेंसिंग बहुत बढ़िया हाइड्रोलिक की, छोटी सी काठी यो तो मैंने कह रहा गर्मियों में भी नहीं उठती सुई, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें, ये इंजन का ही ऐसा कुछ। मुझे लगा सिम्पसन ने इंजन भी अच्छे बना हुए हैं, सिम्पसन कंपनी। ओहो तो हाँ यो है चलाने का भी है। अरे एक बात है भाई, दिसंबर की रात है और ना आगे वो लग रहा, तो बबलू भैया आगे कपड़ा लगाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, मैं थर्मोस्टेटिव वाल हूं। हाँ हटाना भूल जा, फिर वो मीटर देखता नहीं, आदत ऐसी बन जा। तो दोस्तों ज्यादा लगाना नहीं चाहिए आग के। दोस्तों बबलू भाई जो है व्यू रचना वाली जुताई कर रहे हैं, जिसमें पूरे खेत का फांटे एक ही बार भरते हैं। तो ये देखें कि वहां आ गया फिर यहाँ आएगा, पूरे खेत में ऐसी जुताई होगी एक दौरे से, सारे फांट जो है कट देंगे और भरता हुआ आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों इसमें जो है दोहरे पे डबल डबल जुताई नहीं होती, पूरा खेत जो है अंदर की तरफ आता है, आधा ही टाइम लगता है इसमें जुताई करने में। अच्छा घना कुबट्टा देखो, जब सोराज चला रहा था रात को, जब वो हमें पका के चला गया था, पक्के कर दिए थे। तो दोस्तों कपड़ों से मजबूत हो, मैं डबल डबल जैकेट पहन ली, बबलू ने भी भैया ने डबल डबल जैकेट डबल टोपा है। तो दोस्तों कपड़ों से मजबूत रहो, पेट में थोड़ा सा भोजन भी होना चाहिए। बिल्कुल अजीब मजा है। अभी वो है करने को काम है तो कर भी रहे, ना होता तो रिजाई में ही लौट के गप्पे मारते। ये है क्योंकि दोस्तों हमें रात को इसलिए करना है क्योंकि हम लेट हो गए एक हफ्ता। हाँ नहीं किसान और नहीं, एक बात हो रहा, अब तो टेक्नोलॉजी है भाई, मशीनरी है। पहले तो बुजुर्ग जो है एक खेत में दो दो तीन तीन चोट पाट दे थे किसान। मैं कह रहा हूँ हमारे बड़ों ने जितनी दवाई काट दी, हाँ मेहनत बहुत करी, 5% भी मेहनत नहीं करते हम, वे बहुत मेहनत कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों पहले ऐसे करते थे कि 4-5 किसान मिलके एक किसान के यहाँ काम करते थे, फिर वे सारे 4-5 मिलकर दूसरे के यहाँ, इतने बड़े खेत में 5-5, 6-6 बैलों की जोट भी चल जाती थी। कोई हल निकाल रहा, कोई मेड़ी मार रहा पीछे, कोई बीज बखेर रहा। तो दोस्तों बड़ी मेहनत करी है बुजुर्गों ने। जब आके इन ट्रैक्टरों का हमें जो है स्वाद मिला, तो बुजुर्गों को हार्दिक जो है उन्हें बेचारों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद उनका। दोस्तों खेत जोत दिया दो दो बार, लोग के दूसरे में जुताई करी है। अब दोस्तों निकल चलते हैं फटाफट घर की तरफ।